Hey guys, what's up? स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। भाई मैं अभी हूँ रस्ते में फिलहाल जा रहे करोल बाग, क्योंकि लास्ट टू लास्ट वीडियो में मैंने आपको वहाँ का व्लॉग दिखाया था और वहाँ पे भैया के पास आ गया था ओकुलस 3। अब मेरे पास ओकुलस क्वेस्ट 2 तो मैंने ले रखा है 256 GB वाला, बट मैंने रिव्यूज पढ़े यूट्यूब पे भी, देखी वीडियोज उसकी, तो क्वेस्ट 3 भाई साहब नेक्स्ट लेवल कर दिया है। तो मैंने सोचा खरीद के लाया जाए, उसकी अनबॉक्सिंग वगैरह भी शूट करेंगे पूरी कैसी है, प्लस प्राइस कितना है वो भी देखना है, क्योंकि ये सब चीजें भाई इंडिया में तो मिलती नहीं है, ये सब बाहर से इम्पोर्ट होती है। तो मेरे ख्याल से भैया ने 50 या 53 हज़ार रुपए का बताया था उस टाइम पे, अपने को क्या डिस्काउंट पड़ेगा फाइनल वो लेट्स सी जाके पता चलेगा, और फिर उसकी अनबॉक्सिंग गेम प्ले वगैरह सब करेंगे, देखते हैं भैया कैसा फर्क है। और अगर सही लगा तो भैया फिर मैं क्वेस्ट 2 अपना बेच दूंगा, नहीं सही लगा या फिर ज्यादा कुछ फर्क नहीं मिला तो क्वेस्ट 3 बेच देंगे अपना, ठीक है। तो कोई सब्सक्राइबर हो तो अपना ईमेल वीमेल कर देना नीचे, और अभी चलते हैं जल्दी जल्दी, कोई नई गेम का भी लॉन्च वॉन्च पूछते हैं। टेकन बोल रहे थे भैया शायद से कि टेकन 8 आने वाली है, पर वो मेरे हिसाब से जनवरी में आनी है, वो कह रहे थे दिसंबर में आनी है, तो वो भी कंफर्मेशन ले लेंगे कि अपनी ऑस्ट्रेलिया रोड ट्रिप से पहले पहले ना अपने को मिल जाए। हालांकि आप तो ये वीडियो देख रहे होंगे जब मैं पता नहीं चाइना क्रॉस कर चुका हूँ शायद से, क्योंकि हमें बैकअप बना के जाना पड़ता है ना जाने से पहले, तो इसलिए भाई अब चलो जल्दी जल्दी। भाई साहब बहुत ज़्यादा जाम हो रहा है, पर हम पैदल है तो आराम से निकल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ऐसे। भाई साहब आज तो कुछ ज़्यादा ही भीड़ लग रही है सैटरडे को, यहाँ संडे को हालांकि सबसे ज़्यादा भीड़ होती है क्योंकि मंडे का रोल बाग बंद रहता है ऑलमोस्ट, तो अभी भी देख लो ना भरा पड़ा है पूरा। इस वाली गली में भाई साहब कम भीड़ होती है थोड़ी सी, वहाँ पे ज़्यादा भीड़ होती है, बट हम पहुँच गए भाई समुराई कॉर्नर, वो रही सामने, देख लो भाई बताया हुआ आपको बेसमेंट वाली शॉप है, ये बोर्ड लग रहा है यहाँ पे, और नीचे उतरोगे तो बेसमेंट में एंट्री सीधा। नमस्ते जी, नमस्ते, कैसे हो भैया, हेलो बोल दो सबको। हेलो जी। पहुंच गए समुराई कॉर्नर, तैयारियां चल रही है, बस मंडे को मिलते हैं एक बार। हेलो जी, हेलो कैसे हो, और बढ़िया, बिग फैन आपके। तो अभी वहाँ पे भाई जो है एक अपने सब्सक्राइबर ही है, बाय बैग भी अभी इनसे लगा, फोन भी है, 1 TBPS और स्लिम है, बाकी ये सीडीज हैं इसके अलग मतलब सबके इनके इकट्ठे पैसे दे दिए, इनके एक एक सीडी के अलग पैसे, इसके अलग पैसे, कंट्रोलर एक है दो है सबके अलग अलग पैसे, अब ये 5 ले रहे हैं, जैसे बाय बैग भी कर लेते हैं। प्राइस अच्छा मिला है? हाँ बिल्कुल ठीक मिला, पता किया होगा 2-3 जगह तो, हाँ बट यहाँ बेस्ट है भैया के पास। बस हम देखते हैं सील पैक हो तभी लेते हैं, सील पैक मतलब कि अपना रिपेयर्ड ना हो, पीछे से सील हो तभी लेते हैं, सील खुला हम लेते ही नहीं, ना कस्टमर को देते हैं ना लेते हैं। तो अगर किसी को भी PS5 खरीदना है भाई तो अपना PS4 PS3 सब बेच सकते हो यहाँ के। और काफ़ी लोग ना गेम्स पे सेल का वेट कर रहे थे, ब्लैक फ्राइडे की सेल आ गई है अभी, तो गई दिखाता हूँ, बहुत सस्ती हो गई है रैग्नारोक 3000 की केवल। ये है देखो 47990, ये हम दे रहे हैं 46500 का क्रिकेट वाला। लो जी 1500 रुपये का इस पर भी डिस्काउंट दे रही है और हम भी दे रहे हैं, समुराई कॉर्नर का भी डिस्काउंट है। चलो बढ़िया, गेम्स पे भी डिस्काउंट आ गया और कंट्रोलर भी, कितने का है कंट्रोलर अभी? ये लिमिटेड ऑफर है 4300 का, और पहले कितने का था? 56। बताओ 1300 रुपये का डिस्काउंट कंट्रोलर में इंडिया वाला, तो बढ़िया है, बट अपना माल मसाला कहीं उधर है, दिख रहा है आपको फ्रेम में? नहीं दिख रहा, अभी दिखाते हैं। ये यूज है, यूज स्विच लाइट वाला ना? हाँ ठीक है। अब क्या गेम डलने लग गई है? अच्छा सारी देखो गेम्स डाल दी है, तो ओलेड में भी डल जाएगी? सब में डल जाएगी। अच्छा जी, वो रेड डेड डाल रखी है, पुरानी वाली है? ओ भाई साहब सारी गेम, अब ये मैंने 256 में 15 गेम डाली है। ओए कितने का है अभी किसी को लेना हो? ये तो यूज है, ये तो हम 17500 का दे रहे हैं विद गेम, नया 6500 रुपीज। नया कितने का? 12000 का ये हो गया, 6500 और जोड़ लो। अच्छा नया 16500 का, ठीक है, पर उसमें गेम्स नहीं आते, कंडीशन बिल्कुल साफ है, न्यू कंडीशन है, और वो भी ड्रैगन बॉल जी वाला है ना, ये पहली बार हुआ है गेम्स डली है जो सारी बढ़िया। मेरी ओलेड में भी डाल दोगे? आप भी ओलेड में डाल दो। चलो भाई अगली बार ना लेकर आऊंगा अपना ओलेड और सारी गेमें भरवा लूंगा, फिर डिस्क विस्क खरीदने की जरूरत नहीं, मैं डिस्क इसका तो कार्ड आता है छोटा सा, इसका ना कार्ड बहुत महंगा है, 4000 रुपए। हाँ बिल्कुल है भैया के पास, वो भी है सारी गेम्स का ना, ये सारी देखो भाई निंटेंडो की गेम्स है, बट बहुत महंगी मिलती है तो फायदा नहीं है, गेम्स डलवाओ बढ़िया ना। वही वही चलो अपना दिखाओ ना माल मसाला निकालो, क्वेस्ट 3 क्वेस्ट 2 वो रहा मैंने आपको दिखाया था, दोनों ही निकाल दो एक बार दिखाना, रेट बता देंगे। तो जी यहाँ पे अपने जितने भी वर्चुअल रियलिटी VR वाले हेडसेट आते हैं ना, चाहे वो सोनी के ऑफिशियल आते हो चाहे वो थर्ड पार्टी आते हो, फेसबुक का जो मेटा है वो सारे निकलवा लिए। सबसे पहले शुरू करते हैं जो PSVR पुराने वाला आता था, PS5 में चल जाता है ये भैया? नहीं ये सिर्फ 4 में, ये 4 का है, जिनके पॉपुलेशन 4 स्लिम है फैट है प्रो है उनके लिए ये वाला सेट, उनके लिए बेस्ट है। कितने का है क्या है? ये ब्रांड न्यू है 24000। अच्छा ये डब्बा देख के मत समझना भाई थोड़ा, क्योंकि पुराना वैसे हो गया, बट है सील पैक, क्योंकि आया था ये भी 40000 रुपए का। हाँ हाँ
सील पैक है 24,000 रुपए का। बताओ 40 वाली चीज 24 में मिल रही है, उसमें से गेम भी मिल रही है अपनी। 5 मेगा पैक है ये, तो ये सारी गेम्स आपको इसी के साथ फ्री मिल जाएगी, अलग से खरीदने की जरूरत ही नहीं। तो ये तो खाली PS4 के लोग है, PS5 में नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अच्छा वारंटी का क्या सीन है इसका? अब वारंटी नहीं है इसकी, अब नहीं है, अब नहीं मिलेगी वारंटी, खत्म जो है। चलो जी, इसके बाद आता है अपना PlayStation 5 के लिए VR2। ये इंडिया में तो लॉन्च हुआ नहीं ऑफिशियली, बाहर से ही आ रहा है, इसलिए आपको बिल नहीं मिलेगा कोई भी, ना वारंटी मिलेगी, बट वैसे सील्ड पैक है। और चेक करवा के देते हो? चेक करवा के देते हैं। कितने का पड़ेगा ये पड़ेगा 44। 44 का आ रहा है भाई साहब, बड़ा महंगा नहीं आ रहा 44 का? अभी तो बहुत 50-52 का था, अब कम हुआ है। पर इसके प्राइस रोज ऊपर नीचे होते हैं, क्योंकि वो ये डॉलर्स के हिसाब से प्राइस जाता है ना, जितना कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है इसका प्राइस। तो वारंटी नहीं मिलेगी, बस चेक करवा के दोगे। तो किसी को PS5 के लिए VR2 लेना हो, काफी अच्छा है, मैंने इसकी ऑलरेडी अनबॉक्सिंग बना रखी है, एक रिव्यू भी बनाया हुआ है, आप चैनल पे चेकआउट कर सकते हो। अगर समझ आए तो फिर आप PS5 के लिए इसे ले जा सकते हो। अब ये जो दोनों थे ना VR भाई, इनमें क्या है, ये स्टैंड अलोन काम नहीं करते, आपको एक PlayStation 5 की जरूरत पड़ेगी, उसी के साथ ये चलेंगे। बट Facebook या मेटा वालों ने अपना जो है ओकुलस करके निकाला हुआ है, जिसमें क्या है आप PC में भी उन्हें कनेक्ट कर सकते हो, और वो अपना जो है स्टैंड अलोन भी एक तरह से VR डिवाइस है, उनके अंदर खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम है, खुद उसमें आप गेमें खरीदो, गेमें डालो और मस्त मजे लो, चाहे आपके पास PC है या नहीं है, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हालांकि आप PS5 उसके साथ अपना PS5 या फिर PS5 में नहीं चलता शायद, ये मैंने टेस्ट नहीं किया, पर PC के साथ मैंने टेस्ट किया था, चलता है। और कुछ भी नहीं है आपके पास तो वैसे भी चलेगा। तो पहले इसे हटाते हैं, आपको दिखाते हैं भाई, दो ऑप्शन है उसमें भी। सबसे पहला है ये मेटा का Quest 2, 128GB, 256GB और 500GB भी आता है। ये 512 आता है, 512 हमारे पास अभी 128GB है। कितने का है ये वाला? है विद गेम है, इसके अंदर एक गेम साथ है, डाउनलोड कोड है Resident Evil। अच्छा डिस्क नहीं मिल रही है आपको, ये मिल रही है आपको डाउनलोड कोड। और ये किसके लिए? इसके लिए ही है, खुद के लिए। ये आप जैसे आपको परचेज करनी होगी तो महंगी मिलेगी, अब ये इनबिल्ट है साथ में, सस्ती हो जाएगा, ये आपको दे देंगे हम 33,500 का। पर ये विदाउट वारंटी है, ये तो सब विदाउट, बाहर से ही आ रहा है, बाहर की कंपनी है ये सारी। ठीक है जी, तो अभी मैं बता दूं, ये जो गेम है ना भाई, ये PS5 की भी नहीं है, ये PC की भी नहीं है, ये इसकी खुद की गेम है। तो आपके पास PC नहीं भी है ना, आप तब भी इसको खरीद के ये Resident Evil 4 VR में खेल सकते हो। कितने रुपए में टोटल, ये कितने का मतलब? ये 33,500 में। वारंटी नहीं मिलेगी यहाँ पे वैसे, मैं करूँ कमाल है, मैंने खेल के मैंने हमारे मेरे पास तो है ही है। पर ये देखो आप भाई, ऑफिशियल सील्ड पैक है, पूरा आपके सामने ही ओपन होगा, यहीं पे चेकिंग होगी, करोगे तो ओपन, फिर ले जाओ आप, उसके बाद अपना बिल नहीं मिलेगा। बाकी ये Quest 2 है, इसके बाद अब आ गया 3, Quest 3, क्योंकि Quest 2 मेरे पास ऑलरेडी है, तो हमने लेना है जी कौन सा, Quest 3। बहुत महंगा है, प्राइस बताएंगे, बट इसमें फर्क क्या आया है जो मैं डिटेल में तो कभी बात करेंगे आगे जाके, बट पास आओ थोड़ा। बट आप ओवरऑल देखोगे ना भाई, डिजाइन विजाइन पूरा चेंज कर दिया है, इसके कैमरा जो सेंसर्स है और कैमराज है वो आगे ही कर दिए, पहले था ऐसे छोटे छोटे डॉट बने हुए थे, बट अब ये आगे ही पूरा कर दिया। और इसके जो ग्रिप है ना वो भी काफी इम्प्रूव करे हैं, पकड़ने में भी सही है और वैसे भी यूज में भी काफी अच्छा है, प्रॉपर एक हैंडी कर दी है इसके जो रिमोट है ना। तो ये 128 में ही आ रहा है, 128 और 256, 512 तीनों मॉडल है। ठीक है जी, तो वैसे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 128GB लो, सबसे बेस्ट है, क्योंकि आप इनबिल्ट भी अगर 5-6 गेम में भी खरीदोगे ना 128GB में चल जाएगी। और ज्यादातर लोग इसको यूज करते हैं अपने PC के साथ, तो उसमें तो स्टोरेज की वैसी कोई यूज नहीं है, ये 128GB यूज होगी आपको, इसमें मूवीज लोड करनी है, गेम्स लोड करनी है, उसके लिए है। PC से यूज करोगे तो डाउनलोड करो, डिलीट करो, फिर उतना यूज करो, बाकी आप देख सकते हो भाई ज्यादा कुछ सील पैक नहीं होता, सील पैक है बस ये। तो ये गत्ते वाली सील है, इसका मतलब है डब्बा खुला नहीं हुआ। हालांकि बिल इसका भी नहीं मिलेगा, वारंटी इसकी भी नहीं मिलेगी, चेक करवा के आपको दे देंगे। प्राइस बताओ भैया, ये हम दे देंगे आपको 52 का। बताओ 52,000 का भाई, और 256 और 512 क्या रेट होगा? वो होगा आपका 55, 512 ये नहीं 200, नहीं 512, 512 55। तो देखो रेट में फर्क नहीं है इतना ज्यादा स्टोरेज का, पर मैं रेकमेंड करूंगा 128 ही लो, यूजफुल नहीं है। और इससे ज्यादा मैं रेकमेंड करूंगा आपको वैसे आप क्वेस्ट 2 लो, क्योंकि इसके रेट काफी गिर चुके हैं, मैंने जब लिया था बहुत महंगा था, अभी भैया ने बताया आपको रेट काफी सस्ता हो गया, तो इसके भी प्राइजेस काफी टाइम, मतलब कुछ टाइम रुकोगे तो कम हो ही जाएंगे। बट किसी को ज्यादा ही कीड़ा है कि हाँ शुरू में ही खेलना है, सब कुछ नहीं है तो मेरे जैसे, तो वो फिर अपना अभी ले जा सकते हैं। चलो जी, तो ये अपने सारे VR थे भैया के पास, ये अपना हुआ,
और कोई डिस्काउंट विस्काउंट आपके लिए? कितना डिस्काउंट देखेंगे आपके लिए? कुछ 5,000 निकालना पड़ेगा। 5,000 में डील डन करें? मजाक कर रहे भाई, इतना कम भी नहीं। जिसको भी लेना हो आप समराई कॉर्नर आ सकते हो। कंट्रोलर में, गेम्स में काफी डिस्काउंट चल रहा है। शॉप का एड्रेस बता दो। अभी PS5 के रिबोर्ट में भी सेल चल रही है और CD से भी सेल चल रही है। ये देखो कितने कम प्राइस हो गए। रैग्नारोक खरीदना हो 2999 में मिल रही है, जो 4,000 की मिलती थी ना। तो एड्रेस समझा दो। और किसी को बजाज का हो, जैसे अब देखो इनको हम PS5 दे रहे हैं, अभी ये बजाज वाले हैं, ये यही होते हैं, ये आपका हाथों हाथ काम कर रहे हैं। यहाँ से EMI स्टार्ट हो जाएगी, अभी सब कर देंगे ये बजाज वाले, साथ ही हमारे बैठे होते हैं। किसी का अगर बजाज का कार्ड बना हुआ है तो आपको जेब में 5,000 रुपए लेकर आने हैं और आप PlayStation 5 ले जा सकते हो। जैसे हमने एक वीडियो में कवर किया था, आपकी बेसिक नो कॉस्ट EMI बन जाएगी 8 से 10 महीने की। आप उसको चुकाते रहो और गेम के मजे लेते रहो। मतलब नो कॉस्ट नहीं। अच्छा, कितना परसेंट है? जितने मंथ का लोगे उस हिसाब से। ठीक है ठीक है। हाँ, मतलब जो डाउन पेमेंट है समझ लो आपका, वो इंटरेस्ट में चला गया, बाकी आप 8 महीने 5 महीने की आपकी EMI बन जाएगी। ठीक है जी। तो पैसे पहले जोड़ने की जरूरत नहीं है। हाँ। पहले खर्च जो अपना कंसोल ले जाओ और पैसे फिर देते रहो। ठीक है, चलो समझा दो शॉप का एड्रेस भैया। शॉप नंबर 146 गफार मार्केट करोलबाग, नियर किशन छोले भटूरे, बेसमेंट में शॉप है। जैसे कि आपको मैंने बाहर से आते हुए दिखाया था कि ऊपर वाली नहीं, नीचे वाली शॉप है। ये चीज जरूर ध्यान रखो हमेशा, कहीं आते हैं कि इधर चले गए, हमारे सामने ही हो जाता है कि कई लोग शॉप पूछते हुए आते हैं और उनको लगता है ऊपर वाली शॉप है और चले जाते हैं उस हिसाब से। तो बाकी भैया जो है वो सोनी के ऑथराइज डीलर है। जो भी आपको बिल मिलेगा वो प्रॉपर मिलेगा, मतलब आपको वारंटी इंडिया में मिलेगी, हर चीज गारंटी मिलेगी। लोग क्या करते हैं, दूसरी जगहों से खरीद के आपको फिर देते हैं, तो वो बिल ऑलरेडी पुराना होता है। कहीं से भी लो, कंप्यूटराइज बिल देखो, ये 2-3 छोटी छोटी चीजें आप देखो। डीलर तभी डीलर है, हम जैसे हम डीलर है, हम कंप्यूटराइज बिल देंगे आपको, PS5 सील पैक देंगे, वारंटी कार्ड निकाल के देंगे, स्टैंप लगेगी हमारे स्टोर की, हर चीज देख कर लो, तभी सोनी आपको 1 साल की वारंटी देगा, वरना आपको नहीं। नहीं तो समझो आपने विदाउट बिल लिया। और विदाउट बिल तो वैसे भी सस्ते मिलते हैं। जो बेचते कितने का देते होंगे वो, अगर अंदाजे से आपके? यही प्राइस ही देते हैं। अच्छा, यही है बस। बस वो कहते हैं बिल ऑनलाइन आपके मोबाइल में आ रहा है जी, बस अभी आ रहा है, वो आता नहीं है, तो स्कैम जो चल रहे हैं। और दूसरा, अगर इंडियन पीस ले रहे हो तो डब्बे में आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखो, जैसे ये PlayStation 5 का डब्बा है इंडिया वाला, इसमें क्या आपको येलो स्टिकर मिलेगा 1 ईयर वारंटी वाला, तो इसका मतलब है ये इंडिया का पीस है। आपको अगर ये स्टिकर नहीं मिल रहा और अंदर से येलो कार्ड नहीं निकल रहा, मतलब वो दुबई या कहीं और का पीस। और मैनुअल बिल नहीं चलता, मैनुअल बिल ना ले, कंप्यूटराइज बिल, क्योंकि अब यहाँ से भी आप लोगे कंप्यूटराइज बिल मिलेगा। प्लस आपकी खुद की अगर कंपनी है तो आप GST बिल अपने कंपनी के नाम लो, तो जो 18% है इसमें है ना, 18% उसका बेनिफिट लो, वो रिबेट मिल जाएगा आपको। बाकी ठीक है जी, अपना लेके चलते हैं। आपको पता ही है रिपेयरिंग हमारी सबसे बेस्ट है, ये हर चीज की PS4 सब अंकल करते हैं। PS5 भी ठीक कर लेते हैं, 4 भी, और कंट्रोलर के तो मास्टर है समझो। PS5 में क्या दिक्कतें आ रही है मेजर? अभी हीट की आ रही है, हीट होता है। हाँ बस, और हीट की आ रही है, स्क्रीन वगैरह नहीं, अभी कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं आया। वो भी हीट ज्यादा नहीं आया, कम ही है अभी, पर थोड़ी बहुत आ रही है, वो अंकल ने बिल्कुल क्लियर करके ठीक करवा दी है। ठीक है, तो आपका हाथ तो आधी रिपेयर हो जाएगा। हाँ, 1-1.5 घंटा जो टाइम लगता है यहीं पे रुको, अपना साथ साथ लेकर जाओ। कहीं आपको रिपेयर बाहर भी शॉप है वो कहेंगे 2 दिन बाद आना, वो अब खुद नहीं करते, कहीं और भेजेंगे या हमारे पास ही भेजेंगे, इसलिए यहाँ पे आओ, अपने सामने चीज करवाओ, एक एक चीज साइन करो बोर्ड में, ताकि रिप्लेस ना कोई कर पाए। और दूसरा, वहाँ पे अगर वो चीज आपके 5,000 रुपए ले रहे हैं और इन्हीं से करवा के जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको वही चीज 3-4 हज़ार में। प्राइस भी बहुत रीजनेबल रखे हुए रिपेयरिंग के भी। अच्छा, डिलीवरी का बता दो, कोई दिल्ली से बाहर या दिल्ली में हो तो क्या सीन है? कुछ खरीदे, पेमेंट कैसे करनी है? पेमेंट पहले लेते हैं हम, कैश ऑन डिलीवरी नहीं है? नहीं, कैश ऑन डिलीवरी दिल्ली में है, बाहर नहीं है। अच्छा, मतलब कोई घर बैठे पहले पेटीएम लेते हैं फिर हम चीज भेजते हैं। दिल्ली में कैश ऑन डिलीवरी दे देते हो? हाँ दे देते। कोई PS5 मंगवाएगा घर पे पेमेंट हो जाएगी? तो ऐसा नहीं होता मंगवा ले बंदा और फिर देता ही नहीं है? नहीं, ऐसा एडवांस तो लेते ही है ना, कुछ एडवांस टोकन मनी लेते हैं, वरना वो गए अगर नहीं देगा तो, समझ रहे हो? ठीक है जी, बाकी भाई अपना करते हैं बिल, निकलते हैं यहाँ से। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, बाकी पूरी डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। मिलता हूँ जी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, एंड एज ऑलवेज रास्तों पर नहीं पढ़ना सीखा। बाय।